या सो डॉक्टर रचना, आज आप सबसे पहले हमें क्या बनाना सिखाने वाली हैं? आज हम सबसे पहले विल बी मेकिंग क्रिस्पी चिलास, लाइट एंड न्यूट्रिशियस। दाल चीला बनाने के लिए एक कटोरी धुली मूंग दाल, एक छोटा पीस अदरक, दो हरी मिर्च, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, एक चौथाई चम्मच हींग, नमक स्वाद अनुसार, 8 से 10 चम्मच तेल। चीले का हम डो रेडी करने के लिए यूज करेंगे जी। हम मिक्सी लेंगे, मिक्सी में सबसे पहले हम दाल डालेंगे, बिकॉज इसमें इनफ पानी है। अगर इफ़ यू फील इट इज़ मोर, तो काफ़ी ज़्यादा है तो आप पानी निकाल लें, जितना पीसने के लिए ज़रूरत होता है आप उतना ही लें। इसमें करीब हम 2 मिर्च डाल देंगे, ब्रेक द स्टेम या स्वाद के अनुसार, इफ मिर्च तीखा होता है तो यू कैन टेक इवन लेस। थोड़ा सा धनिया लेंगे, अदरक का 1 इंच का पीस करीब करीब जी, बिना छीले। दिस इज ऑल मैंने साफ करके रखा हुआ है जी, सो विल पुट दिस। इसमें हींग डाल देंगे जी, करीब करीब 1/2 चम्मच, क्योंकि हींग का फ्लेवर चीले में बहुत अच्छा लगता है जी। और हींग अगर आपकी हल्की है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। एंड दिस सॉल्ट अगेन अकॉर्डिंग टू टेस्ट, करीब करीब 1/2 चम्मच फिर भी पड़ेगा, फिर भी सॉल्ट का टेस्ट हर किसी का। इसको हम पीस देंगे जी। अब हम देख रहे हैं कि हमारा ये पीस चुका है जी, ये थोड़ा सा थिक है, हम इसे थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं, थोड़ी सी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होगी तो अच्छा बनेगा जी। नॉर्मली हमारा रहता है कि शायद थिक होगा तो फैलने में आसानी होती है जी, लेकिन वो फिर अच्छा नहीं बनता। ये अभी भी थोड़ा सा गाढ़ा है, थोड़ा और पानी डाल देंगे। और साथ में आपने यहाँ पे तवा भी तवा रख दिया को है। मैंने थोड़ा हीट करने के लिए शुरू कर दिया, सिम पर ही रखेंगे। वी कैन सी इट्स ऑलमोस्ट डन। इससे अगर हम थोड़ा सा और भी पतला कर सकते हैं एंड वी मैनेज टू स्प्रेड इट, तो हम थोड़ा सा पानी और ले सकते हैं, अदरवाइज दिस इज ऑल्सो फाइन। दिस इज एक्चुअली आइडियल। ओके हम देखते हैं हमारा तवा गरम हो चुका है, इस पर हम स्प्रेड करेंगे। और डॉक्टर रचना, एक कटोरी मूंग की दाल में लगभग कितने चीले बन जाते हैं? 8 to 10। 8 to 10, सो एनफ फॉर अ फैमिली। आप ये देखिए कि मैं स्प्रेड कैसे कर रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली स्प्रेड नहीं अच्छा होता है। बिल्कुल डोसे की तरह। बड़े पेशेंटली, आप बहुत जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंटली आप अपने जिस सर्विंग स्पून के साथ डाल रहे हैं दैट ओनली यू कैन यूज जी। और इसके बाद इसको थोड़ा सा हम तेल साइड्स में डाल देंगे जी। फ्लेम थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं अभी, जस्ट लिटिल बिट, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। और ऊपर में भी थोड़ा सा ही डालेंगे। वील वेट टिल द साइड्स लीव इट। इसमें आपको क्या लगता है, कौन सी वैल्यू लगती होगी बनाते वक्त, कैसा लगता होगा? आई कैन रिलेट टू, क्योंकि मूंग की दाल बहुत ज़्यादा लाइट होती है, सो आई कैन रिलेट टू लाइटनेस। और कुछ सर्कल से भी रिलेट कर सकते हैं? मैं भी इसी से रिलेट करती हूँ। जैसे जैसे ही मैंने डाला तो एक पॉइंट था, और वो पॉइंट धीरे धीरे कैसे हम दुनिया में घूमते जाते हैं बहुत सारी चीज़ों के साथ, और हमारी हर चीज़ का ऑरा जैसे जैसे हम स्टडी करते हैं हमारे वाइब्रेशंस का ऑरा बड़ा होता चला जाता है, और हम जितना ज़्यादा जैसे इट्स लाइक अ होल वर्ल्ड ग्लोब की तरह नज़र आ रहा है right. और वाइब्रेशंस हम जितना ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड करते हैं खुशी के, पॉजिटिविटी, उतने ही हमारे पास वापस आते हैं। सो आई थिंक हर चीज़ में ये देख रहे हैं हम, बीच में से इट्स नाउ ऑलमोस्ट छोड़ रहा है साइड्स जी, तो हम इसको थोड़ा सा सो इजी आराम से निकल जाता है। नॉर्मली जब हम बनाते हैं तो एक डर लगता है कि चिपक जाएगा, इसलिए मैंने जनरली ये देखा कि हम इसको इतना ज़्यादा पतला भी नहीं करते, और हम तेल भी शायद बहुत ज़्यादा लगाते हैं जी। इसको थोड़ा सा हम टर्न भी करेंगे। राइट, आई कैन सी दैट बिल्कुल भी नहीं चिपका है। सो इज देयर सम स्पेशल टिप फॉर इट?
देखिए वैसे तो अगर आपका तवा बहुत अच्छा है तो वो चिपकेगा ही नहीं। और नॉर्मली हम गलती क्या करते हैं जो स्प्रेड नहीं होता हमसे, कि हम उसमें पहले ऑयल लगा देते हैं, जो आपने भी बोला अगर हम उसमें एक दो चम्मच और एक थोड़ा सा भी ऑयल डाल देंगे तो ये स्प्रेड ही नहीं होगा। वो एक जगह ना ऑयल की जो बात होती है ना, वो चीज़ों को समेटता है जी, ओके। तो वो फैलने नहीं देता, वो समेट देगा सारे को। और समेटने के बाद क्या होगा कि वो मोटा बनेगा, फैलेगा नहीं, चिपकेगा। सो हम ये अपने दिमाग से निकाल दें कि वो चिपकेगा तो हमें तेल लगाना, इट विल नॉट हैपन। ठीक है, विल मेक इट गोल्डन ब्राउन। आई गेट टेक आउट द सर्विंग प्लेट। जी लाइए, मैं कर देती हूँ, पलट देंगे। हाँ जी, हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक जी। और इसको हम तेज आंच पे भी बना, थोड़ा सा जब हम बारा हो रहा होता है तो थोड़ा सा, नहीं तो नॉर्मली हम पूरे ने मीडियम फ्लेम ही यूज करेंगे जी। तो फिर से थोड़ा सा होने देंगे। You can see they are all ready. ये जी। You can just try कितना crispy होता है। अभी तो मैंने ऐसे सर्व किया, अदरवाइज आप इसको हरी चटनी के साथ, मीठी इमली की चटनी के साथ, पनीर और मटर का सूखा सब्जी बनाए उसके साथ, कैप्सिकम और पनीर की सब्जी के साथ, कढ़ाई पनीर की सब्जी के साथ और रायते के साथ। दिस टेस्ट वेरी गुड। राइट, सो